Hello students, welcome to the official YouTube channel of Teacher Zara 24/7. This is your educator Nidhi Arora. Finally, वो time आ गया है जब students center से बाहर निकल रहे हैं and as we can clearly see कि यहाँ पर बहुत rush है, बहुत सारे students आए हैं इतनी ठंड में exam देने. भाई हाजिर जवाबी है तो मतलब hats off करना पड़ेगा सारे students को, उनके dedication, उनकी मेहनत को. अभी फटाफट से हम लोग जान लेंगे कि कैसा गया है students का exam. I am excited yet nervous. बस ये पता चल जाए कि students का exam कैसा गया है, कैसा उन्होंने score किया है. जैसे कोई student आता है हमारी फैमिली का, हम आपको मिलवाते हैं उनसे. हेलो हेलो मैम, कैसे हो? बिल्कुल कैसे हो. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ग्रीमनजीत. अच्छा. और मैं MSc BEd हूँ और मेरा फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है. की बार सेकंड अटेम्प्ट? हाँ. चलिए बहुत बढ़िया. हाँ. और कैसा गया आपका एग्जाम अभी? वैसे तो ठीक गया, अच्छा गया. वैसे अच्छा गया. हाँ. पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे? पासिंग मार्क आ जाएंगे मेरे. तो मुझे ये बताओ गिरिमंजीत, आपने कितना घंटे पढ़ाई करी थी ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा मोटिवेट हो सके आपसे? नहीं इतने ज़्यादा नहीं, मैंने 3-4 घंटे निकाले थे. वैसे स्कूल से, जैसे स्कूल से निकलने के बाद घर का काम भी फिर. अच्छा. और मैं ये जानना चाहती हूँ कि टीचर्स अड्डा में आपने हमारी क्लासेस देखी थी? मैंने आपकी क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस देखी थी और थोड़ी मैथ की देखी थी. बस इतनी देखी. और मैंने सेल्फ से क्वेश्चन वो सॉल्व किए थे, सेल्फ स्टडी की. बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे ना स्टूडेंट का यही कहना है कि क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपना सिलेक्शन गेन कर सकते हैं. अच्छा मुझे ये बताओ गिरिमंजीत, आपका टारगेट क्या है? मेरा टारगेट तो फिलहाल अभी DSSB आने वाली है. क्या तो बात है, उनकी बात है. तैयारी के. तो आप TGT के लिए प्रिपेयर करेंगे? हाँ, TGT और PGT दोनों के लिए. कौन से सब्जेक्ट के लिए? मेरे केमिस्ट्री है. बहुत बढ़िया. चलो विशिंग यू गुड लक. आई होप आप अपना सपना जल्दी से जल्दी पूरी करो और 2024 में टीचर बनो. बिल्कुल मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो. हेलो. हाय मैम. आपका नाम क्या है? माय नेम इज सुरेंद्र सिंह. सुरेंद्र सिंह, आपका एग्जाम कैसा गया सीटेट का? एक्सीलेंट. एक्सीलेंट गया. तो आप सोशल साइंस के बारे में बताएंगे? मैम माय सब्जेक्ट वाज साइंस एंड मैथ्स. मैथ्स एंड साइंस. तो फिर कैसा गया मैथ्स एंड साइंस? मैम थोड़ा सा मैथ्स टिपिकल था, बाकी सब बेटर था. अच्छा. तो आप लेवल क्या कहेंगे मैथ्स और साइंस का? मॉडरेट था, इजी था, डिफिकल्ट था? मेरे अकॉर्डिंग एज आई एम टीचिंग बायोलॉजी एंड साइंस. अच्छा. साइंस इज नॉर्मल बट मैथ्स इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. डिफिकल्ट. तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारा जो लेवल था पेपर का, उसमें कितने क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन बेस्ड पेडागॉजी के मिले, कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले? मैम डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं थे, अराउंड 20-30% थे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, लेकिन पेडागॉजी बेस्ड काफ़ी थे क्वेश्चन. काफ़ी थे. मोर देन 25. और पेडागॉजी भी कैसी, मतलब सिचुएशनल पेडागॉजी थी? मैम यस, दे हैव गिवन द कंडीशंस एंड वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंग. तो आपको अगर मैं बोलूं कि रफ एस्टिमेट बताओ अगस्त पेपर के कंपैरिजन में कैसा लगा, तो आप क्या बोलेंगे? मैम इजी था, बस मैथ थोड़ा सा टिपिकल था. बस यही है. लैंग्वेज के बारे में बताइए, इंग्लिश थी आपके पास? यस मैम, इंग्लिश एंड हिंदी. सेकंड लैंग्वेज? सेकंड लैंग्वेज हिंदी. फर्स्ट वाज योर इंग्लिश? अच्छा. तो कैसे गई इंग्लिश आपकी? मैम सब बढ़िया था, वही बात है, मैथ्स थोड़ा सा टिपिकल था. मैथ्स इंग्लिश भी अच्छा था मैम, जो पैसेज वगैरह थे, और हिंदी में भी हाँ काफ़ी इजी था, क्योंकि हिंदी इतना पढ़ा नहीं है कभी ना 12th के बाद, तो उस हिसाब से सही था मैम. तो ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है स्टूडेंट की, कि अगर लैंग्वेज वन इंग्लिश है और अच्छा गया है, तो इससे अच्छी बात तो और क्या ही हो सकती है स्टूडेंट के लिए. आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी एग्ज़ाम की? मैम अच्छी थी प्रिपरेशन, और साथ साथ जैसे पढ़ाते भी हैं बच्चों को, तो आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन तो वहीं हो जाती है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो ओवरऑल आपका अच्छा गया, कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में? मैम आ जाएंगे मोर देन 100. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो ऑल द वे बेस्ट. थैंक यू सो मच. कंग्रेचुलेशन. हेलो मैम, आपका नाम क्या है? पूजा. पूजा, कैसा गया पेपर आपका? लास्ट का छूट गया था, इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा छूट गया था. इंग्लिश का टाइम मैनेजमेंट. ओहो, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छूट गया? हाँ, क्योंकि कल हमने जब लास्ट मिनट टिप्स डिस्कस करी थी, तो स्टूडेंट्स को बताया था कि आप पेडागॉजी सेक्शन को पहले ही अटेम्प्ट कर लेना. क्या आपने वो किया था? नहीं, मैंने पहले CDP किया था, मतलब सीरियल वाइज गए थे सारे सेक्शन. अच्छा, आपने सीरियल वाइज किया था और इंग्लिश लास्ट में किया आपने सॉल्व? हाँ. क्योंकि लैंग्वेज 2 थी आपकी इंग्लिश ना? हाँ. चलो, और बाकी सब पूरा पेपर दे दिया था? हाँ. तो कितने मार्क्स करके तो मैं भी आई हूं, बट मतलब वैसे ही करके आई हूं. अच्छा, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी आप? 90 के करीब. हो जाओगे ना पास? कुछ कह नहीं सकते. बताएगा कह नहीं सकते. चलो कोई बात नहीं है, इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका पेपर, अगर आपको लग रहा है ना मार्जिन पे भी पास हुआ है, तो भी आप आगे के लिए पढ़ाई करना, मैं यही सजेस्ट करूँगी. अगर आप अभी एनर्जी ड्रेन आउट करके बैठ गए कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा, छोड़ो, जब रिजल्ट आएगा तभी देखेंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगा. अभी DSSB की वैकेंसीज़ हैं, तो तैयारी करना लग के, है ना? ठीक है.
चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ पर तो हैं ही स्टूडेंट्स के साथ घिरे हुए इर्द गिर्द। यहाँ पर मैं हिमानी मैम को बुलाना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों तक पेपर भेजने की मेहनत, एनालिसिस करने की मेहनत सबसे पहले और सबसे सटीक जो है हो पाएगी हिमानी मैम की वजह से, क्योंकि मैम बिहाइंड द सीन्स में सारी फोटोज़ कैप्चर कर रही थी ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन एनालिसिस मिल सके। एनालिसिस मिल जाए और यही होगा, मतलब जो भी की आपको पहुँचाई जाएगी टीचर्स की तरफ से उससे 19-20 एक या दो नंबर हार्डली रहता है। बाकी ये समझ लो आपका जो रिजल्ट है आने वाला है या फिर आंसर की जो बाद में ऑफिशियल आएगी वो आज ही आपको मिल जाएगी टीचर्स अड्डा पे। आई थिंक स्टार्ट भी कर दी होगी, स्टार्ट भी कर दी है ना, तो आप सभी लोग जुड़ जाना। और बाकी ये देखो बहुत बुरी तरीके से कांप रहे हैं, है ना, ठंड भी बहुत है, लेकिन हाँ ये साल बहुत बढ़िया होने वाला है। एक्चुअली मैं देख पा रही हूँ, आप एक बार दिखाइए, और सभी लोग अभी वेट भी कर रहे हैं, पता है, मतलब जिनके घर वाले बाहर खड़े हैं उनकी धड़कन ज्यादा तेज रहती है कि बच्चा क्या करके आएगा। और अभी एक अभी 12:30 जस्ट अभी बजे हैं, बिल्कुल। और ये साल वैसे भी बढ़िया है, मतलब स्टार्टिंग में एग्जाम है, अभी रिजल्ट आ जाएगा, फिर बिहार की भी वैकेंसीज हैं, बिल्कुल। तो कभी कभी ये मौका होता है कि आपने यूं टेट दिया है और फिर जॉब गारंटीड एग्जाम्स आपको देखने को मिले हैं, स्पेशली मैम DSSS भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं, DSSS भी है, बिहार वाला है, यूपी, फिर आपका सीटेट का भी, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आप में जोश तो है ही नया नया, बस इसी को आगे लेके जाना है, अभी ब्रेक नहीं देना, अभी ब्रेक मत देना बिल्कुल भी। अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है वेल एंड गुड, इसी फाउंडेशन को आगे के एग्जाम के लिए यूज करना हो जाएगा भाई। राम मंदिर का साल है, 2024 की शुरुआत है ये, क्या बात है मैम, क्या बात है। इतना आसान, मतलब इतना ऐसा नहीं रहेगा हमारे लिए कुछ भी नेगेटिव लाए, मेरे को तो नहीं लगता, मतलब पॉजिटिव वाइब्स हैं तो बढ़िया रहने वाला। अच्छा मैम, जब मैं पेपर देख रही, जब आप फोटोज ले रहे थे, स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे थे, मैम CDP बहुत अच्छा गया, आपसे पढ़े हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे CDP के लेवल? CDP बिल्कुल वैसा ही आया जैसा जनरली पैटर्न चल रहा है, जो मैंने बताया था कि ऑफलाइन हो गया, तो कुछ लोग क्या कर रहे थे कि वही ऑफलाइन वाला पेपर उठा के ला रहे थे कि ऑफलाइन हो गया, तो पैटर्न नहीं बदला था, पैटर्न आज भी वही है, वही लंबे लंबे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले। और इंग्लिश बहुत सही लगा, मैंने फोटोज ली है, हिंदी भी मुझे सही लगा है, बाकी मुझे मैथ्स ध्यान नहीं है। अच्छा। और वो तो सर करा देंगे, आयुष सर, मतलब बाकी सारी फोटोज तो मैंने भेज दिया, शायद एनालिसिस स्टार्ट किया होगा। चलिए आइए बात करते हैं आप कुछ और स्टूडेंट से। हेलो कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया मैम। आपका शुभ नाम? कोमल। कोमल, मैं आपको ही कॉल कर रही थी एक्चुअली। अच्छा। तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैम 100+ कर रहे हैं। तो आपकी जो लास्ट मोमेंट वीडियोस आपने डाले थे, नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स और जो छोटे मोटे बताए थे, उस बहुत हेल्प मिली मैम उससे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जितना आपको क्लासेस में करवाया यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में, कितना परसेंट आया उसका? मैम अगर उस चीज़ को देख के अगर हम बोलना तो मेरे हिसाब से 90% आया। अरे वाह क्या बात है, 90% तो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है, मतलब बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। मैम आगे का DSSS का? DSSS कौन से सब्जेक्ट के लिए? इंग्लिश का। अरे वाह, TGT इंग्लिश, फिर तो एकदम इस बार तो TGT दोनों, तो TGT मई में तो धुआं उठा देंगे हम लोग। अभी इस एनर्जी को बिल्कुल भी ड्रेन आउट मत करना, इसको आगे यूज़ करना, फाउंडेशन है आपका। DSSS भी TGT में 10-20 नंबर की पेडागॉजी आएगी, इसी को यूज़ करना है आपने आगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। ओवरऑल अगर आप पेपर को बताएं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज तो बता दीजिए। मैम ओवरऑल मतलब ये था कि जैसे इंग्लिश का तो मेरे को पेपर बहुत अच्छा लगा, हिंदी का भी अच्छा था, बस थोड़ा सा SS में हुई थी। अच्छा। सोशल साइंस में हो गया था। हाँ। कोई बात नहीं, मेहनत की है आपने बहुत ज़्यादा, तो वो रंग जरूर लाएगी। लास्ट टाइम से अच्छा गया था, लास्ट टाइम मेरा PRT का अच्छा हुआ था, TGT का नहीं होता, बट इस टाइम मेरा TGT का बहुत अच्छा गया, जैसे सनी सर बोलते हैं ना कि उड़ा देंगे, उड़ा दिया, जहाज बना दिया पेपर का, बना दिया। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। ये हमारे स्टूडेंट है, अभी वैसे तो मैं कैमरा पे ऐसी तरीके से क्लास लेती हूँ, मतलब ज़्यादा ही बुरी तरीके से, तो पहचान में नहीं आ रही थी, बहुत देर तक पहचानने के बाद बोल रही है मानी मैम होना, है ना। बट क्या सर आपका एग्जाम? बहुत अच्छा था मैम, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यस। CDP कैसा था मैम? इजी था, एक दो क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया, पैटर्न वही था ना जो ऑनलाइन पैटर्न था, ऑफलाइन भी वही पूछ रहा है। चलो और आगे टारगेट क्या है आपका? मैम अभी तो BPSC के आ रहे हैं, DSSB के लिए। हाँ, तो मतलब जॉब तो आपको दिल्ली में लेनी है ना, तो वो तो लग जाएगी, खैर है ना, इतनी मेहनत है, मतलब मेरे को जान के बहुत प्राउड फील हो रहा है यार, लिटरली कसम से, मतलब एक बच्चा है, वो कह रही है एक बेबी है, कितने साल का? 1 ईयर का है मैम। बस 1 साल का है, तो मेहनत करने में कुछ तुम्हें? मैम बहुत है, वो अकेला रहता है, अब रोता है, मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं तो घर पर नहीं रहते, वो अकेली रहती हूँ। वो टीचर है? हाँ। यार वैसे जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हमारी स्थिति ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि एक पेरेंटहुड से ज़्यादा ऐसी कोई स्ट्रगल वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि आप बच्चे को छोड़ के और आप मेहनत करते हो लगातार,
मतलब लिटरली हैट्स ऑफ टू यू और ऑल द वेरी बेस्ट है ना। तो आपको मतलब यार यही होता है मेरा, जितनी भी लेडीज़ होती हैं स्पेशली, तो मैं थोड़ा सा हूँ, मैं क्लास में भी लगती हूँ बाइस रूम जैसा, बट यार बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और ऑल द वेरी बेस्ट, और आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करेंगे, और हस्बैंड भी, इस साल 2024 में आपको जॉब लेनी है ना, मिले ना मिले ले लेनी है। ओके मैम, तो चलिएगा, ऑल द बेस्ट आपको भी, और ऐसे मेहनत करते रहें आप भी।